आज जानना चाहेंगे, जैसे कि आदिल को भी लेके आए हैं कोर्ट में और आपने भी आपकी आपकी साइड की बातें की है जज से, क्या कहा है जज ने? अभी मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी प्रोनाउंस की है, अब आदिल को जेल भेजा जाएगा और हो सकता है वो आने वाले एक दो दिनों में बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा सेशंस कोर्ट में, तो फिर हम लोग उसके उस तरह से हम हमारी तैयारी करेंगे और अप्रोच करेगा, तब हम उसको अपोज करेंगे और जो भी हमें लीगल कार्रवाई करनी है हम करेंगे। कौन से स्ट्रॉन्ग सेशंस थे जिनके थ्रू जज ने? देखिए सेशंस का तो वकील साहब ही बता पाएंगे आपको। देखिए सेक्शंस बहुत सीरियस ऑफेंसेस थे, सीरियस एलिगेशंस थे, उसके हिसाब से पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे था, आज फर्स्ट रिमांड था। तो नॉर्मली हमेशा ऐसे केसेस में पहले दिन पुलिस कस्टडी ही होती है, लेकिन अब मैजिस्ट्रेट ने जेल कस्टडी दी क्यों है, उनका ऑर्डर आएगा तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी कि उन्हें ऐसे मामले में इतने सीरियस एलिगेशंस और सेक्शंस लगने के बाद उन्होंने क्यों जेल कस्टडी दी, उनका ऑर्डर पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फर्दर लीगल स्टेप क्या लेना है। आदिल के साइड से जो जज ने कहा है, लाइक उनके साइड से उनके वकील ने जो कहा है, उनमें से कितनी बातें सच थी और कितनी? देखिए ये तो अभी माननीय न्यायालय समझे कि क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है, हमारा काम एक ही है कि जो अराकी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में उसको ज़रूर भेज दिया है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये नहीं होता कि अराकी आदिल अभी फ्री हो जाएगा, आदिल को अभी बेल के लिए जाना होगा सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट में हम इस बेल का खंडन करेंगे, यानी हम इसके विपरीत विपक्ष में खड़े होकर इसका विरोध करेंगे कि जो ये जो इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत, क्योंकि ये एक लड़की से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कई लड़कियों का मसला है। यहाँ 377 जैसा सीरियस ग्रीवेंस केस लगाया गया है, बहुत सीरियस है ये केस, 323 लगाया गया है, 498 लगाया गया है, 377 लगाया गया है, तो आप समझिए ये इजी नहीं है। अब माननीय न्यायालय को नहीं लगा कि शायद उसको पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है, लेकिन हम इसका अपोज करेंगे और अपोज करते रहेंगे जब तक राखी सावंत को न्याय नहीं मिल जाता। आदिल के वकील ने भी उनके पक्ष में कुछ बातें कही थी, जैसे कि 6 डिजिट के जो पिन आते थे, 3 राखी को आते थे, 3 आदिल को आते थे, तो दोनों की मंजूरी थी, उनका कहना ये था। वो तो अभी ऐसे बात करेंगे डिफेंस में, यही सारी चीज़ कहेंगे और राखी को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट उनके कहने से कुछ नहीं होता। इसीलिए हम चाह रहे थे कि पुलिस कस्टडी होती, इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से होता तो सारी बातें सामने आ जाती, पर खैर वो नहीं हो पाया, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया तो ये सारे क्वेश्चन मार्क रह गए। उनको डिफेंस में कुछ भी कहने दो, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है, सब कुछ है जिसके बेसिस पे हमें पता है कि हम किस लेवल तक जा पाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। क्या क्या सबूत है आपने अंदर? हमारे पास बैंक के स्टेटमेंट्स है, आदिल ने किस तरह से राखी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, आदिल ने कैसे डराया धमकाया, आदिल ने कैसे वीडियोस बना के राखी को ब्लैकमेलिंग किया, आदिल ने किस तरह से मारा पीटा और आदिल ने जो भी चीज़ें की और जो भी राखी के एलिगेशंस है वो सिर्फ बोल नहीं रही है मुँह ज़बानी, उसके पास सारे एविडेंसेस है। हमें आज मौका नहीं मिला वो एविडेंसेस दिखाने के लिए, या पुलिस को भी वो मौका नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीज़ सामने लाने के लिए, तो अब हम उस पर जब भी बेल एप्लीकेशन होगी हम पूरे एविडेंसेस के साथ सामने आएंगे और आप लोग को भी इसकी जानकारी आगे मिलेगी। क्या राखी भी कोर्ट में आएंगी? ऑफकोर्स आना पड़ेगा तो ज़रूर आएगी, राखी न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसको कोर्ट में आना पड़े चाहे वो भगवान के सामने जाना पड़े, कहीं भी जाएगी, अब राखी को न्याय चाहिए। इतना बड़ा कदम राखी ने अगर अपना घर खराब किया है, अगर अपने पति को अरेस्ट करवाया है तो ये खुद के लिए नहीं करवाया है, ये हिंदुस्तान की तमाम लड़कियों के लिए करवाया है। ये आदिल ने एक को नहीं कईयों को चीट किया है, ये एक मिसाल और ये एक एग्जाम्पल है जो राखी सेट करना चाहती है। ये आदमी बाहर निकल के दूसरी लड़की को चीट ना करे, ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है, तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी तो राखी भी कोर्ट में आएगी। थैंक यू।